ठीक है बच्चों, आज हम जो है हमको कुछ न्यूमेरिकल्स लगाने हैं, और हम न्यूमेरिकल्स तो लगा रहे हैं, हमारे दो टॉपिक हैं। पहला है सीएलए वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू। इसी टॉपिक पे हमारा न्यूमेरिकल रहेगा। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा, देखिए क्वेश्चन कह रहा है, हमारा पहला फर्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट दी सीएलए वैल्यू ऑफ ए सरफेस, ऑफ ए सरफेस फॉर फॉलोइंग डेटा। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि दिए हुए डेटा के लिए सीएलए वैल्यू याद करना है। हिंदी में कहें तो दिए हुए डाटा के लिए सीएलए वैल्यू, सीएलए वैल्यू ज्ञात कीजिए। दिस इज आवर क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन है। डेटा क्या दिया हुआ उसको देख लेते हैं। डेटा हमारा दिया हुआ है, सैम्पलिंग लेंथ दिया हुआ है, सैम्पलिंग लेंथ दिया हुआ है, सैम्पलिंग लेंथ का मतलब होता है वो लेंथ जिसमें आपको मेजरमेंट या डेटा निकालना है। ठीक है, जिस लेंथ को हम कंसीडर कर रहे हैं रफनेस निकालने के लिए, वो लेंथ हमारा सैम्पलिंग लेंथ होता है। ठीक है, ये सैम्पलिंग लेंथ हो गया। अच्छा, जो मैग्निफिकेशन हम यूज कर रहे हैं, एक और फॉर्मूला इसमें आता है, जो मैग्निफिकेशन यूज कर रहे हैं वो 15,000 गुना, यानी अगर कोई 1 mm की चीज है तो उसको हम 15,000 गुना बड़ा कर रहे हैं, तब जाके हमें डेटा मिल रहा है। ठीक है, यानी माइक्रोस्कोप से इसको हम मैग्निफाई कर रहे हैं 15,000 गुना। ये वर्टिकल मैग्निफिकेशन है, ये वर्टिकल है। और हॉरिजेंटल जो मैग्निफिकेशन है वो आपका है 100 टाइम्स। एरिया दिया हुआ है, एरिया अबव एंड बिलो आर, क्या क्या एरिया है आपका, 160, 90, 180, 50, 95 65 170 एंड 150 mm²। तो जो एरिया हमारा है डेटम के ऊपर और नीचे, ये दिया हुआ था सारा, जहां से आप देख सकते हो उसको आसानी से। इसमें क्या किया जा रहा कि जो हमारा सैम्पलिंग लेंथ है वो 0.8 है, इसको हम मैग्निफाई कर रहे हैं। ठीक है, यानी 0.8 को कितने गुना बढ़ा रहे हैं, 100 गुना। यानी अगर आप ये दूरी देखेंगे तो माइक्रोस्कोप पे, वो 0.8 का 100 गुना बड़ा हो जाएगा और 15,000 गुना इस तरीके से लंबा हो जाएगा। तो हमारा जो फॉर्मूला है, इतना जब कर किया गया है, बढ़ाया गया है इन दोनों को, तो ये हमारी वैल्यू आ रही है। इसका मतलब जो हमारा क्वेश्चन आएगा उसमें हमको इतना गुना कम करना पड़ेगा, और कम करने का मतलब भाग देना होता है। ठीक है,
कम करने का मतलब होता है भाग देना। अब जो हमारा फॉर्मूला बनता है, फॉर्मूला हमारा होता है CLA value is equal to A1 plus A2 plus and so on plus AN upon N। यहां हम H1 क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहां पे क्या दिया हुआ, यहां पे एरिया दिया हुआ है। ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये 4 है, A5, A6, A7 और A8, ये सारा एरिया है। और कितने बार है ये, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 बार है, यानी n बराबर 8 है और वैल्यू। लेकिन इसमें एक चीज और ऐड है, आपने इसको क्या किया है, इस वैल्यू को मैग्निफाई किया है, बड़ा किया है, तो इसीलिए इसको कम करेंगे 1 अपॉन हॉरिजेंटल मैग्निफिकेशन। हमने क्या किया, हमारा जो हमने सिंपल जो हमारा फॉर्मूला था, क्या हमारा, कि अब तक हम क्या करते थे, सारे एरिया को जोड़ देते थे और कितनी बार वो एरिया है यानी कितने नंबर ऑफ एरियाज हैं उनसे डिवाइड करते थे। अब यहां क्या हो रहा है कि हमने स्केल को क्या किया है, मैग्निफाई किया है, बड़ा किया है, तो 15,000 गुना वर्टिकल में बड़ा किया है इस तरीके में और 100 गुना हॉरिजॉन्टल में किया है इस तरीके से। तो हमें जब एक्चुअल वैल्यू चाहिए RMSCLA वैल्यू की, तो हमें उस स्केल को कम करना पड़ेगा, कितना, 15,000 गुणे 1/ यानी 1/15,000 और 1/100। अब इसकी वैल्यू हम रख देते हैं, अगर इसको आप सॉल्व करना चाहें, इसकी वैल्यू हम रखें तो देखिए क्या मिलेगा हमें, यहीं पे हम लिख दे रहे हैं कोने में थोड़ा सा, CLA जो आपका आ जाएगा ये हो जाएगा 160 प्लस 90 प्लस 180 प्लस 50 प्लस 95 प्लस 65 प्लस 170 प्लस 150, ठीक है, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 8 × 15,000 गुणे 100। तो ये हमें सॉल्व करना है, ये हमारी CLA वैल्यू। यहाँ पे 15,000 और 100 से गुणा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने स्केल को क्या किया है, मैग्निफाई किया है। अगर हम एक बार उसको बड़ा किए हैं, मैग्निफाई किए हैं, तो हमें एक्चुअल वैल्यू के लिए हमें उसको छोटा भी करना पड़ेगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो जो वैल्यू CLA की आएगी वो हमारी आएगी 0.8। वैल्यू आ जाएगी 0.8 × 10⁻⁶ मीटर, 0.8 × 10⁻⁶ मीटर। इस सवाल को फिर से एक बार समझने की कोशिश करते हैं, क्या क्या दिया हुआ है। देखिए इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि वी हैव टू फाइंड आउट द CLA वैल्यू ऑफ दिस सरफेस फॉर द फॉलोइंग डेटा, यानी दिए हुए डेटा के लिए CLA वैल्यू ज्ञात कीजिए। सैम्पलिंग लेंथ इसमें दिया हुआ है 0.8, सॉरी इसमें जब हम n लेते हैं, यहाँ पे n नहीं होगा भाई, यहाँ पे l होगा। जब एरिया लेते हैं तो हम लेंथ लेते हैं, ठीक है, तो सैंपलिंग लेंथ की जगह हमारा यहाँ पे 0.8 हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, जब हम फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज है, क्योंकि यहाँ पे ये हम लेंथ लेते हैं, तो CLA से वहां से आप इसको देख लीजिएगा 0.8 हो जाएगा। एरिया की हॉरिजॉन्टल जब हमारा वो होता है केवल H1H2 होता है तो वहां पे हम नंबर लेते हैं, जबकि यहाँ पे हम उसके केस में लेंथ लेते हैं। तो इस सवाल को देखिए और उसको लगाने और समझने की कोशिश करिए। तो देखिए हमारा ये क्वेश्चन था और इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जो
जो हमारा सी एल ए इसमें देखिए कुछ वैल्यूज दिए हुए हैं, एल बराबर दिया हुआ 0.8, एमएम में दिया हुआ है ये, ठीक है, मैग्निफिकेशन एम दिया हुआ है 1/15,000 इंटू 1/ आ जाएगा आपका 100, ये आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि आपको ये वैल्यू कम करनी है, ठीक है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का आपको कम करना है। अब आप फॉर्मूला जानते हो सी एल ए वैल्यू का, सी एल ए वैल्यू बराबर का जो फॉर्मूला होता है सिग्मा ए अपान एल इंटू एम, एम यहां मैग्निफिकेशन है, तो अब सिग्मा ए मतलब ए वन ए टू, यानी आगे लिखें अगर हम ए वन प्लस ए टू एंड सो ऑन प्लस प्लस ए एट तक जाएगा ये, अपान एल इंटू एम, तो आगे इसको लिख लिख रहते हैं, ये हो जाएगा 160, 90, 180, 50, 95 प्लस 65 प्लस 170 प्लस 150, इन सबको जोड़ना है। आपको डिवाइड कैसे करना है, डिवाइड बाई 0.8 इनटू, और एम की वैल्यू आपकी 1/1500 यानी 15,000 गुणे 100 कितना आएगा, ये हमारा क्वेश्चन बन गया। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो आप इसको अगर ऐड करोगे सब, हम ऐड करके सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसको ऐड कर देते हैं, ऐड करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कितना आता है ये। ये हमारा आ रहा है 960, ऊपर हमारा आ रहा है 960 डिवाइड बाई 0.0008, ये आपका एमएम स्क्वायर में है, और आपका ये जो वैल्यू आएगा वो एमएम में आएगा, ठीक है ना, तो क्या आएगा देखिए इसको बार जरा फिर से देख लेते हैं, यह जा रहा है 1200000, ये इसको जब आप डिवाइड करोगे तो यह आ जाता है 1/250 mm, और जब आप फर्दर डिवाइड करोगे तो यह mm आ जाएगा, या इसको लिख सकते हैं 0.0008 × 10³ मीटर, या हो जाएगा ये 0.8 × 10⁻⁶ मीटर, या इसको लिख सकते हैं 0.8 माइक्रोमीटर, और ये आपकी जो है वो सी एल ए वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, जो सी एल ए वैल्यू हमारी आ जाएगी वो आ जाएगा 0.8 माइक्रोमीटर, ठीक है। तो इस बात का हमें थोड़ा ध्यान रखना है कि हमारी चीजें यहाँ इस क्वेश्चन में आपको दिखा कि कैसे कैसे यहाँ पे हो रहा है, और ये हम इसमें m से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, यहाँ m 1/1500,
मान लीजिए आपको ये केवल दिया जाता है इस क्वेश्चन में कि केवल वर्टिकल मैग्निफिकेशन हो रहा है, हॉरिजेंटल नहीं हो रहा है, तो हम केवल उससे 1/10 के गुणा कर देते हैं, ठीक है। 1/10 गुणा करने का मतलब होता है कि हम कितने गुना कम कर रहे हैं, ठीक है, जो हमारी चीजें, जो हमारा डेटा आ रहा है उसको हम कितने टाइम्स रिड्यूस कर रहे हैं, तो वो हमारी ये वैल्यू होती है। तो ये तो हमारा एक क्वेश्चन था जिसमें हमने CLA वैल्यू को लगाया, जिसमें मैग्निफिकेशन दिया हुआ था।